दोस्तों आजकल सभी को जिम जाने और फिटनेस फ्रीक बनने का नया शौक चढ़ा है। और जब आप जिम जाते हैं तो जिम के ट्रेनर से लेकर सफाई वाले तक आपको वे प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जो वे प्रोटीन आप ले रहे हैं उसके अंदर क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वे प्रोटीन की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो वे प्रोटीन की शुरुआत होती है दूध के साथ। कई सारे फार्म से ये दूध कलेक्ट करके एक चीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में भेजा जाता है, जहां पर इस दूध को कर्ड्स और वे की फॉर्म में अलग कर लिया जाता है। कर्ड वो पार्ट होता है जो सॉलिड रहता है और जिससे आगे चीज बनाया जाएगा, जबकि बचे हुए लिक्विड को हम वे कहते हैं। और इसी लिक्विड वे को फिर ट्रक्स में लोड करके वे प्रोटीन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लाया जाता है। यहाँ पर इस वे को पैस्चराइजेशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें इसे 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर तेजी से इसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा दिया जाता है। इससे वे में मौजूद सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है फिल्ट्रेशन की। हर 1 किलो वे प्रोटीन के डिब्बे को बनाने के लिए करीब 30 किलो दूध को यहाँ फिल्टर करना पड़ता है। फिल्ट्रेशन के बाद इस वे को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के पाइप से पास करवाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड फिल्टर्स लगे होते हैं। सबसे पहले इसे एक ठंडे एनवायरनमेंट से गुजारा जाता है, जिससे कि वे में मौजूद प्रोटीन और फैट अलग हो जाते हैं। इसके बाद इस लिक्विड को एक ड्रायर से पास करवाया जाता है, जहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों तरह की हवा से लिक्विड को सॉलिड से अलग किया जाता है और हमारे पास बचता है प्रीमियम वे पाउडर। इसके बाद इसे पाउडर की जांच लैब में की जाती है और अगर सब कुछ सही निकलता है तो इसे अगले स्टेप के लिए आगे भेज दिया जाता है। अगले स्टेप में हम वे प्रोटीन में उसके फ्लेवर्स को ऐड करते हैं। फ्लेवर ऐड करने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को पहले तोला जाता है और फिर एक हाई स्पीड पेडल ब्लेंडर में मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद इसे ब्लेंडर से निकलने के बाद इसे बड़े बड़े बैग्स में भरकर बॉटलिंग सेक्शन की तरफ भेज दिया जाता है। बॉटलिंग सेक्शन में पहले से ही तैयार किए गए डब्बों को लाइन से नीचे लगाया जाता है और सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद इन्हें नोजल से नीचे भेजा जाता है, जो इन्हें हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट से भर देते हैं। और भरने के बाद इनका वजन भी ऑटोमेटिकली लिया जाता है। इसके बाद हर एक डिब्बे पर ये मशीन कंपनी का लेबल चिपका देती है और ये सभी डिब्बे कन्वेयर से ट्रैवल करते हुए कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक कर दिए जाते हैं। इससे पहले कि ये वे प्रोटीन दुनिया भर में बेचा जा सके, इसकी एक और टेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए हर एक बैच से कुछ रैंडम सैंपल्स को चुनकर उनके प्रोटीन कॉन्टेंट और बाकी पैरामीटर्स पर उन्हें परखा जाता है। तो ये थी कहानी आपके वे प्रोटीन पाउडर की, जो रोज जिम की मेहनत में आपका साथी बनता है। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।